चाहता हूँ। देखिए आज बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ आकर के, और ये देख करके कि आज हमारा टोहाना जो नहरों की नगरी कहा जाता था, और जब टोहाना की जनता ने मुझको और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के सरकार बनाई, तो ये काम इतना बड़ा यहाँ पर हो, नहरों की नगरी में रहना हमारा सार्थक हो, इस बात का प्रयास मुख्यमंत्री जी की सहयोग से किया था। और जब सरकार आई थी तो 2014 में ही 25 दिसंबर को इस पार्क से थोड़ा आगे हेड की तरफ चंडीगढ़ रोड के अगली साइड में एक हर्बल पार्क का निर्माण शुरू करवाया था अटल जी के जन्मदिन पर। और बहुत साल पुराना मेरा सपना था कि ये जो लाला कंवर सेन जी गुप्ता, हम टोहाना वासियों को इतनी बड़ी सौगात उनके कारण से मिली, इसका सदुपयोग हो। ये जल संसाधन है, इसका उपयोग केवल सिंचाई और पीने के लिए ना हो, अन्य प्रकार से भी कैसे इसका उपयोग हो सकता है, वो सपना मेरा बहुत साल पुराना था। और सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये पूरा हुआ। कई साल के इंतज़ार के बाद आज टोहाना के नागरिक अपना ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जल संसाधन है, इसका बेहतर उपयोग किस प्रकार से हो सकता है यहाँ देख रहे हैं। यहाँ बच्चे, जवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बेटियाँ, सब लोग यहाँ आते हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं कि आज कितना आनंद यहाँ बच्चे उठा रहे हैं, कितनी खुशी आज बच्चों को है। इन सब बच्चों की, बहन बेटियों की, हमारे बुजुर्गों की, माताओं की, इनकी खुशी देख करके आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सर, यहाँ पर जो कुछ भी श्रेय लेने की दौड़ लगी रहती है, लेने का प्रयास करते हैं, पहले वो भी आ चुके हैं। देखिए यहाँ टोहाना की जनता आती है, यहाँ टोहाना के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं, और केवल यही नहीं आते, अपना जो स्टेडियम बना है वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बच्चे, जवान आकर के, और जो सिंथेटिक ट्रैक से युक्त यहाँ इतना बड़ा स्टेडियम बना है उस पे आकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो अब इतनी चीज़ें हैं, कौन किसका श्रेय लेगा, ये मैं नहीं समझता कि इसकी कोई और होनी चाहिए। ये मेरा जो सपना था, चाहे वो स्टेडियम बनवाने का, यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधा देने का, यहाँ एक पार्क बना करके, और आप लोग देख रहे हैं वो पूरा हुआ है। और इतना ही नहीं है, आप हेड के ऊपर देखेंगे कि एक सेमी ओलंपिक साइज का वहाँ पर स्विमिंग पूल बनकर के तैयार हो चुका है। वो जल्दी वहाँ पर बच्चे तैराकी की प्रतियोगिता के लिए भी तैयार होंगे, जैसे स्टेडियम के अंदर कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर एथलेटिक्स के बच्चे आज अपनी प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से टोहाना नहरों की नगरी होते हुए भी यहाँ कोई बेहतर तैराक आगे बढ़ करके नहीं गया। मैं समझता हूँ ये स्विमिंग पूल मिलने के कारण से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आगे निकल करके आएंगे और तैराकी के मामले में भी झंडे गाड़ेंगे। ये आप सब लोग देख रहे हैं हर्बल पार्क की जगह कितनी गंदगी थी, वहाँ कितना सुंदर हर्बल पार्क तैयार हुआ है। यहाँ नहरों के इस पानी को किस बेहतरीन के तरीके से हमने इसका सदुपयोग किया है, चाहे स्टेडियम की बात करें, या फिर जैसे स्विमिंग पूल की बात करें, या फिर दूसरे बड़े पार्क की बात करें, ऐसे सब स्थान जो टोहाना की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, इनके कारण से टोहाना क्षेत्र की जनता को जो लाभ मिला है, खुशी मिली है, मैं समझता हूँ मेरे लिए इससे बढ़कर के कोई और चीज़ हो नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक टोहाना की जनता ने जो आशीर्वाद के रूप में मुझे सेवा का मौका दिया था, मैं समझता हूँ वो मेरा काम सार्थक हुआ है। भविष्य में जिस भी प्रकार की का काम टोहाना क्षेत्र की जनता चाहेगी डट करके करेंगे, और ये श्रेय मैं समझता हूँ, जैसे आपका सवाल था श्रेय लेने का, मैं ये समझता हूँ कि ये श्रेय जब टोहाना की जनता ने मुझे विधायक बना करके भेजा था उसके कारण हुआ,
मैं ये श्रेय टोहाना क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूँ, यहाँ के जागरूक मतदाताओं को देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक विकासशील सरकार देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाई और मुझे टोहाना से अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए श्रेय टोहाना की जनता को। भविष्य में कुछ आपके सपने हो? सपने बहुत हैं सर, साकार भी होंगे। क्राउड बहुत होता है शाम के समय, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी प्रकार की खास व्यवस्था नजर नहीं आ रही? देखिए, अभी जैसे मेरी जानकारी है, अभी कुछ दिन पहले इसका ट्रायल हुआ है, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का काम हो रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने में समय लगता है, तो यहाँ अब धीरे धीरे करके टोहाना क्षेत्र की जनता को किस प्रकार की सुविधाओं की यहाँ ज़रूरत है, किस प्रकार की समस्याओं को उनको यहाँ सामना करना पड़ा है, धीरे धीरे करके सारी सामने आएंगी और उसी आधार पे चाहे इरिगेशन विभाग हो या सरकार के अन्य विभाग जो इसको संभाल सकते हैं, उनसे बातचीत करके इस व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से कैसे चले इसकी व्यवस्था की जाएगी। सफाई व्यवस्था भी बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई कोताही हर इस प्रकार के विषय में ना हो, इस बात के लिए विचार करके उसके ऊपर काम किया जाएगा।